चलिए बेटा, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। रिसोर्सेज का चैप्टर चल रहा था हमारा, ठीक है। कल हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और उनमें से हमने किस किस के बारे में पढ़ा था, निकाल लीजिए आप अपनी बुक का पेज नंबर। C6 पेज निकाल लीजिए बेटा, यही पढ़ना है ना आज हमने, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। यहीं से स्टार्ट करना है। मैम चैप्टर पढ़ा रहे हो? यस बेटा, G7 पेज। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बेस पर मीन्स वो रिसोर्स जो है, जो संसाधन जिनका इस्तेमाल हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो सब चीजें रिसोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है। तो स्टॉक के बेस पर यदि हम देखें, स्टॉक यानी कि वो कितनी मात्रा में धरती के उपलब्ध है, स्टॉक के बेस पर यदि हम देखते हैं तो वो दो टाइप की है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। कौन कौन सी है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से बन जाती है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म होने पर दोबारा पुनर्पूरित नहीं होती, वो होती है आपकी नॉन रिन्यूएबल। आगे देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी, कह रहे कि वो किसके आधार पर, कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी कि वो कितनी मात्रा में कंटिन्यू हमको उपलब्ध होती है। रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड, हम रिसोर्सेज को वर्गीकृत कर सकते हैं एज अ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीन नए बनते हैं दोबारा या फिर नहीं बनते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं विच कैन बी यूज्ड कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर, जिनका हम कंटिन्यूअसली लगातार वर्ष दर वर्ष उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। दे डोंट गेट एग्जॉस्टेड, वो कभी भी खत्म नहीं होते, and can be replenished, और जल्दी से replenished हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं। Therefore, they are known as replenishable or inexhaustible resources. इसीलिए इन्हें हम replenishable मतलब पुनः पूरित होने वाले और कभी ना खत्म होने वाले असमाप्य resources भी कहते हैं, जैसे कि solar energy, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, water, air, sea waves, समुद्र की तरंगे, belong to this category, वो इसी category में आती है, which will continue to exist on the earth independently, ठीक है। ये continue चलती रहती है, जब तक earth है तब तक ये सब चीजें earth पर हमें मिलती ही रहेंगी। Man will never be deprived of their ability, hence they are called renewable resource, कि जो मानव है कभी भी इनसे वंचित नहीं हो पाएगा, कभी भी deprived नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि solar energy ही नहीं रहेगी, पृथ्वी पर water ही नहीं रहेगा, सी के अंदर वाटर है, एयर चलती रहेगी, सी वेव्स चलती रहेगी, तो मानव इससे कभी भी वंचित नहीं होगा। तो इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन। सम बायोटिक रिसोर्सेज लाइक, कुछ बायोटिक रिसोर्सेज भी हैं जैसे कि प्लांट्स। बायोटिक मतलब जो जैविक है ना, जो सजीव है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, आर रिन्यूएबल, वो भी रिन्यूएबल है क्योंकि वो भी दोबारा जन्म लेते रहते हैं, एक से दूसरे ने जन्म लिया। दे कैन बी रिन्यूड अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, और वो किसी अनुकूल पर्यावरण की स्थिति में वो रिन्यूएबल होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉइल भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये रिन्यूएबल होने में, रिन्यू होने में ये बहुत लंबा समय, कई हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी को बनने में। हाउएवर इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड, इसीलिए इसे हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डालते हैं सॉइल को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओनली वंस, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार उनका इस्तेमाल किया, वो खत्म, अब उनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं होगा। पेट्रोल हमने व्हीकल में इस्तेमाल किया, पेट्रोल खत्म, अब वो दोबारा से थोड़ी ना आएगा। कोयला, कोयले को हमने जला दिया, वो ऐश बन गया, राख बन गया,
वापिस से कोयले का रूप नहीं धारण कर सकता। तो इसलिए कहा है ऑन द अदर हैंड सम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओनली वंस, कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम एक ही बार कर सकते हैं। आफ्टर यूज, यूज करने के बाद दे आइदर गेट एग्जॉस्टेड, वो खत्म हो जाते हैं एंड बिकम अनफिट फॉर बीइंग यूज्ड अगेन, और दोबारा यूज करने के वो फिट नहीं रहते, मतलब दोबारा यूज करने के वो लायक नहीं रहते। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब अनवीकरणीय, एक बार खत्म होने पर ये दोबारा नहीं बन पाते हैं। बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू अवेलेबिलिटी, क्योंकि इनकी उपलब्धता की एक लिमिट है, ये एक लिमिट में ही हमको उपलब्ध हो पाते हैं। पेज चेंज कीजिए बेटा। दे आर ऑल्सो नॉन एज नॉन रिप्लेनिशेबल और एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, इसलिए इन्हें हम नॉन रिप्लेनिशेबल मतलब उन्हें पूरी न होने वाले, और एग्जिस्टेबल मतलब खत्म हो जाने वाले संसाधन भी कहते हैं। दे गेट टोटली एग्जिस्टेड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं और दोबारा नहीं बन पाते। मिनरल, कुछ मिनरल हैं जैसे कि कोयला है और पेट्रोल, मैंने अभी आपको इनका एग्जाम्पल दिया कि कोयला जलने के बाद राख बन जाएगा, वापिस कोयले में परिवर्तित नहीं होगा। पेट्रोल, पेट्रोल भी यूज होने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोयल और पेट्रोल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं इमिडिएटली, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं आफ्टर यूज, यूज होने के बाद, ठीक है, यूज होने के बाद उनका कोई इस्तेमाल नहीं रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, उनके वितरण के आधार पर, मीन्स कहाँ किस क्षेत्र में वो पाए जाएंगे, उनके आधार पर भी वो दो प्रकार के होते हैं, यूबिक्यूटस एंड द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस मतलब सर्वव्यापी, ऐसे संसाधन जो हमें सब जगह मिल जाए, लोकलाइज्ड स्थानीय जो हमें किसी विशेष स्थान पर ही मिलते हों। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, रिसोर्सेज को हम दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, नेमली जिनके नेम है ubiquitous मतलब सर्वव्यापी and localized मतलब स्थानीय संसाधन। Resources which are found everywhere, ऐसे resources जो everywhere सब जगह पाए जाते हैं, वही तो सर्वव्यापी होंगे। On the earth पूरी पृथ्वी पर, like air and water, जैसे कि air and water are called ubiquitous resources। Resources which are confined only the some places, कुछ resources कुछ ही निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक पेट्रोलियम, कोयल, आयरन आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। मिनरल्स हैं बाकी, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब आपके लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये सब जगह नहीं पाए जाते पृथ्वी में, ये किसी किसी स्थानों पर पाए जाते हैं, तो ये लोकलाइज्ड में आ गए। वाटर एंड एयर हमें पृथ्वी पर सब जगह मिलता है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे भी वाटर है, ठीक है, और एयर है, तो ये आपके लोकलाइज्ड, सॉरी, यूबिक्यूटस में आएंगे। एक डू यू नो का कॉलम दे रखा है, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस जो है सेलिब्रेट ऑन अप्रैल 22 एवरी ईयर, हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटा कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं आप, क्या मतलब होता है कंजर्वेशन का, कौन बताएगा? कंजर्वेशन मतलब बचाव करना, ठीक है। वी हैव बीन गिफ्टेड विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ, अरे वी हैव बीन गिफ्टेड, हमें कई उपहार मिले हैं विद अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं। We must consume them judiciously. Judiciously होता है न्यायिक रूप से, न्यायिक संगत, गलत इस्तेमाल ना करना, सही ढंग से इस्तेमाल करना, हमें इन सब का यूज बहुत ही judiciously करना चाहिए। यदि हम इनका वेस्ट करेंगे हम इनको, तो ये पृथ्वी पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इनका मिसयूज करेंगे तो हमारे जो पृथ्वी का एनवायरमेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमें इनको बहुत ही judiciously हमें इनका यूज करना चाहिए। सेव दैम, इनको सुरक्षित रखना चाहिए फ्रॉम वेस्टेज, ताकि इनकी वेस्टेज ना हो, एंड प्रोटेक्ट दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली जो हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन मतलब आने वाले जो बच्चे हैं आगे, उनके लिए इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ,
हमने इन्हें खत्म कर दिया तो हमारी आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है वो इनसे वंचित रह जाएंगी। वो तो सिर्फ सुनेंगे कि पेट्रोल होता था, गाड़ी चलती थी, कैसे चलती थी उन्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि पेट्रोल तो बचेगा ही नहीं। तो इन्हें सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इनका इस्तेमाल कर पाए। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर मैन। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है मैन के लिए। टू फुलफिल हिज नीड्स मैन हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज इन नंबर ऑफ वेज। कह रहे फुलफिल हिज नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैन हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग, मैन इनका शोषण करता है, मतलब धरती से इन्हें दोहित करता है, निकालता है इन्हें रिसोर्सेज को नंबर ऑफ वेज कई सारे तरीकों से। मिनरल्स का चैप्टर पढ़ाया था, देखिए कई सारे तरीकों से वो मिनरल्स को निकाल रहा था धरती से, तो कई तरीकों से इनका यूज करता है। इफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यदि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो खत्म होने वाले हैं यदि हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहे कंटिन्यूस लगातार एट द सेम रेट, उसी रेट पर जितनी मात्रा में हमें आज चाहिए उतनी ही मात्रा में हमें कम चाहिए, हम उनको सेव नहीं कर रहे हैं, देन द रिजर्व्स ऑफ मिनरल, तो जो रिजर्व्स होते हैं भंडार, जो मिनरल्स के भंडार हैं जैसे कि कोयले के भंडार, पेट्रोल के भंडार, यूरेनियम के भंडार, वो क्या है, विल बी स्कार्स, उनकी कमी हो जाएगी, आने वाली जनरेशन के लिए तो मिलेगा ही नहीं। अगर ये तो पहले ही पृथ्वी में एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और अगर हम इनका जुडिशली यूज नहीं करेंगे तो बेटा ये पृथ्वी पर खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर वी मस्ट यूज देम जुडिशली, इसलिए हमने इनका बहुत ही न्यायिक संगत ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि वो एक लंबे समय तक अवेलेबल हो पाए। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज अ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो प्रक्रिया है रिसोर्सेज को बचाने की जो प्रक्रिया है इसी को ही हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू कंजर्व ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उनको संरक्षित करना, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल जो कि नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि जो रिन्यूएबल है वो तो फिर भी पुनः पूरित हो जाएंगे, लेकिन जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है यदि हमने उनको सेव नहीं किया तो वो आने वाले फ्यूचर में तो हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे, वो बचेंगे ही नहीं फ्यूचर के लिए। द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट एज वेल एज कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि मानव की लाइफ को बेटर बनाना, पृथ्वी की बायो डाइवर्सिटी जो जैव विविधता यहाँ पर मिलती है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं उनको संरक्षित करना, जीवन के हर एक रूप की रिस्पेक्ट करना, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब ये क्या मदद करता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में विकास में मदद करता है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी, एनवायरनमेंट को हानि ना हो इस तरीके से वो इन रिसोर्सेज को सुरक्षित करता है। लिविंग विद इन अवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल लिमिट इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सतत पोषणीय विकास का एक मुख्य सिद्धांत क्या है कि एक ऐसे पर्यावरण में हम उसकी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग रहें, कि हम उसकी किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल ना करें कि हमारा पर्यावरण जो है वो डिसबैलेंस ना हो, ठीक है। बट द फोकस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं इज फार ब्रॉडर देन जस्ट द एनवायरमेंट, तो ये बहुत कहीं ज्यादा व्यापक है अपने पर्यावरण पर फोकस करने की बजाय। इट इज ऑल्सो अबाउट एंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड जस्ट सोसाइटी, करें इससे क्या होगा, हम सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमारा जो समाज है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा यदि हम इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इनका न्यायिक संगत हम इस्तेमाल करेंगे। दिस मीन्स मीटिंग ऑफ द डाइवर्स नीड ऑफ द पीपल इज एग्जिस्टिंग, कह रहे इसका मतलब क्या हो गया, मीटिंग ऑफ द डाइवर्स नीड ऑफ द पीपल इन एग्जिस्टिंग, कि आज वर्तमान में मानव को जिन जिन चीजों की जरूरत है एंड द फ्यूचर कम्युनिटीज, और आने वाली जो भविष्य की जो समुदाय होंगे उनको जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, क्रिएटिंग अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन्हें बराबर का अवसर मिलना चाहिए। बराबर का अवसर फ्यूचर के लोगों को कब मिलेगा,
जब हम उनके लिए कुछ बचाएंगे, और उनके लिए कुछ बचाना मतलब रिस्पॉन्सेस का कंजर्वेशन करना. मैन हैज बीन एबल टू मेक प्रोग्रेस ओनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एंड द कंजप्शन ऑफ देयर रिसोर्सेज. कह रहे मैन हैज बीन एबल, मैन सक्षम है टू मेक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने के लिए ओनली बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज. जब रिसोर्सेज के जो यूज कर रहा है, रिसोर्सेज के जो कंजप्शन कर रहा है, उनका विकास भी करे. To sustain the rate of development and the keep future bright, it is our prime duty to conserve the resources. करें to sustain the rate of development, की विकास की दर को बढ़ाए रखना. हम सभी चाहते हैं हम विकास करें, हमारी कंट्री विकास करे, डेवलपमेंट हो. अगर हमने विकास को बनाए रखना है तो keep the future bright, और अपने भविष्य को भी bright उज्जवल बनाना है, it is our prime duty. तो ये हमारी prime duty है, हमारे प्रथम कर्तव्य है to conserve the resources. कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें, रिसोर्सेज को बचाएं. फॉलोइंग आर द सम स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स दिए हैं दैट वी कैन फॉलो द कंजर्व रिसोर्सेज, जिनके द्वारा हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते. नंबर वन है, वी यूज प्रोसेस्ड फूड लाइक एम्प्टी बॉटल्स, कैन, ओल्ड क्लॉथ एक्सेट्रा. रीयूज प्रोसेस, जो हम पहले मतलब रीयूज करना, हम जिस चीज का इस्तेमाल कर चुके हैं उसका दोबारा से उन सामान का इस्तेमाल करना, जैसे कि खाली बॉटल हो, कोई कैन हो, पुराने कपड़े हो, तो इससे हम नए रिसोर्सेज को बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसकी खपत कम हो जाएगी, तो हम उन्हें संरक्षित कर पाएंगे. रिसाइकल वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि पॉलिथीन बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, कैन है, फर्नीचर है, उनका रिसाइकिल करना. रिसाइकिल मतलब उनसे दोबारा कुछ नया बनाना, ठीक है, वो हो गया आपका रिसाइकिल में. रिड्यूस मिस यूज एंड वेस्टेज ऑफ पेपर एज ट्रीज आर कट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. कह रहे रिड्यूस मिस यूज, मिस यूज को जो हम बेकार में बेफिजूल यूज कर रहे हैं उसको कम करना. मिस यूज जो हम कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स का, उसको कम कर देना. जैसे कि वेस्टेज ऑफ पेपर, वेस्टेज ऑफ पेपर के मिस यूज को कम कर देना. हम लोगों ने क्या किया, पेपर यूज किया, देन फाड़ कर हमने उसको डाल दिया डस्टबिन में, जड़ा दिया. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पेपर का यूज करना चाहिए. आप देखते हैं ना कबाड़ी वाले आते हैं आपसे पुरानी किताबें अखबारें ले जाते हैं, तो वो पेपर का रीयूज करते हैं. यदि वो पेपर का रीयूज करकर उसका कुछ नया बना देंगे, इस मीन्स जो हमें पेपर बनाने के लिए पेड़ों को कट करना पड़ता है वो कम हो जाएगा. जब पेड़ कम कटेंगे तो इसका मतलब हमारा पर्यावरण भी बचेगा. रिड्यूस मिस यूज एंड द वेस्टेज ऑफ पेपर एज ट्रीज आर कट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए, इसीलिए हमें पेपर की वेस्टेज को और उसके मिसयूज को कम करना चाहिए. स्टॉप अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का हमें अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए, वाटर का नहीं करना चाहिए. आप देखिए बेटा, आप लोग ब्रश करते हैं, हाँ ठीक है, आप लोग नहाने जाते हैं, कुछ भी है, टैब खुला छोड़ दिया और काम करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास तो बहुत पानी है ना, काफी पानी है, हमारे घर में समरसेबल लगा है या कुछ भी है, बोरिंग हो रही है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो हम वेस्ट करें, बस कैसे ही बहा दें धोने में कुछ भी, है ना, हम उसको वेस्ट करें. जो काम हम एक बकेट पानी से कर सकते हैं उसके लिए दो बकेट पानी का यूज करना मीन्स उसको वेस्ट करना. हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी का भी मिस यूज नहीं करना चाहिए. जैसे कि अब आप लोग बैठे हैं तो फैन को ऑन कीजिए, लेकिन जैसे ही आप अपने रूम से बाहर जाते हैं लाइट फैंस को बंद कीजिए. अननेसेसरी जो प्लग्स ऑन रह गए हैं, आपने चार्जर लगाया, आपके टीवी का प्लग है, कोई नहीं देख रहा, वो प्लग ऑन रहता है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है. तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपने टीवी बंद किया, आपका फोन चार्ज हो गया, आप जल्दी से उस प्लग को बंद कर दें. सीएफएल बल्ब का यूज करें आप, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी बचेगी. मीन्स फैंस है, लाइट है, एसी शुड बी स्विच ऑफ इफ दे आर नॉट इन यूज. मतलब एसी है, लाइट है, फैन है, अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें स्विच ऑफ करें. टर्न ऑफ वाटर बकेट व्हेन वाटर इज नॉट बीइंग यूज्ड. तेरे पानी की जो टैब होती है उसे भी हमें बंद कर देना चाहिए जब हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए. नंबर 5, अब आप एक चीज और देखिए, वाटर का आप फेस देखिए. सुबह नल आती है, सुबह पानी आता है जब, तो हम लोग फिल कर लेते हैं, हमारी टैंक फिल हो गया, हमारी टंकियां फिल हो गई, सब आपने बकेट बकेट जो भरनी थी सब भर ली. अब उसके बाद भी पानी आ रहा है, तो बेटा हमें उस नल के आगे एक टैब लगानी चाहिए, द
ताकि हमने पानी भर लिया, अब पानी वेस्ट नहीं हो, हम टैप बंद कर दें, ठीक है। एक नल लगाना चाहिए उसके आगे ताकि हम उसके वॉल को बंद कर दें, वो पानी वेस्ट ना बहे। पॉइंट नंबर 5, वॉक एंड यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच पॉसिबल। कह रहे हैं वॉक या तो पैदल चले, एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। मतलब अगर आप बस में जा सकते हैं, एक कार में 5 से 6 लोग इकट्ठे जा सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग व्हीकल का इस्तेमाल करें। ऐसा करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी क्या है, या तो आप इसको बिजली से चार्ज कर रहे हैं, या आप इनमें पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, या सीएनजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बहुत पास में ही जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बस है तो 50-60 लोगों को एक बार में ही ले जाती है। अवॉइड यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स को अवॉइड करें, एंड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन को कम करें। एयर पोल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज बचेंगे, आपकी मनी भी बचेगी, आपका पैसा भी बचेगा। बाय फॉलोइंग द अबव मेजर्स वी कैन कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेक अ पाथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रॉन्गर एंड डिफाइंड। बाय द फॉलोइंग अबव मेजर्स, इन सभी मेजर्स के अकॉर्डिंग वी कैन कंट्रीब्यूट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें प्राकृतिक संसाधनों के कंजर्वेशन में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि हम ह्यूमन मानव डेवलपमेंट को, मानव के विकास को और भी स्ट्रॉन्ग बना पाए, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें जीवन के हर एक रूप का आदर करना चाहिए, इसकी केयर देखभाल करनी चाहिए। बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अच्छा मानव जीवन, बेटर क्वालिटी, मानव जो है अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। ऐसा नहीं वो अमानवीय परिस्थितियों में रहे, चारों तरफ गंदगी हो, नहीं, बेटर क्वालिटी की लाइफ होनी चाहिए मानव की। कंजर्वेशन ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी पर जो जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उन्हें कंजर्व करना चाहिए पृथ्वी पर, वो खत्म नहीं होती। हर एक जीव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है पृथ्वी पर। रिडक्शन ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीटेशन कर रहे हैं, उन्हें पृथ्वी से खोद कर निकाल रहे हैं, उसको भी हमें कम करना चाहिए। प्रॉपर एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें प्रॉपर रवैया अपनाना चाहिए। हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि पर्यावरण किसी भी तरीके से खराब ना हो, उसका बैलेंस बिगड़े नहीं। यदि पर्यावरण बैलेंस होगा तो उसका हर्जाना हम सबको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी इज टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट, हर एक कम्युनिटी को केयर करनी चाहिए अपने अपने एनवायरनमेंट की, तभी वो सशक्त हो पाएगा। अपने अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे तभी पूरा एनवायरनमेंट सेफ हो पाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपके ये फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें से ये बताइए, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज किस किस बच्चे ने कर रखी है, बताइए किसने कर रखी है? कर रखी है। आप सेक्शन 1 से हैं? यस मैम। ठीक है, चलिए हम एक बार इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले देखते हैं कुछ और वर्क तो नहीं है, एक्सरसाइज कल करते हैं। सौरभ इसकी एक्सरसाइज आपने फिल कर रखी है, मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है। okay. और अब आप लोग मुझे अपना हॉलिडे होमवर्क दिखाइए, चार्ट दिखाइए अपना, कि क्या क्या काम कर रखा है आप लोगों ने, दिखाओ बेटे। मैम हमने कल दिखा दिया था आपको, अंश ने, आपने दिखा दिया, और बाकी बच्चे नोटबुक में कर रखा है, कुछ जन आंसर में। तो दिखाओ नोटबुक में, दिखाओ क्या बनाया आपने। दिखाओ बेटा फटाफट से, सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, जिसने नोटबुक में बनाया नोटबुक में दिखाइए, एक और शीट पर कहीं तो बनाया होगा, दिखाइए मुझे। हाँ
वेरी गुड मैं दिखाऊं यस आप दिखाओ ये किसकी है नोटबुक अंजलि आप दिखा रहे थे मैं दिखाऊं मैं कौन नमन अभी रुको अंजलि का देख लो ठीक है अंजलि दिखाओ नमन दिखाओ नमन मैं नहीं बोलते हम दिखाएं मैम ठीक है ऐसे बोलते हैं दिखाओ थोड़ा पास करो ताकि मुझे क्लियर नजर आए ठीक है चलो सौरभ ठीक है बेटा सौरभ माइक ऑन करना बेटा एक तो मेरे पास एक्सरसाइज सेंड कर दो ठीक है आपसे A1 सेक्शन से हो ना आपने पहले से चैप्टर भी कर रखा होगा यस मैम तो आपको फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना अब आप लोग क्लास लीव करो और सौरभ आप मेरे पास सेंड करो लीव करो क्लास मैम हमारी नोटबुक हाँ हनी दिखाओ आप दिखाओ नोटबुक यस मैम गौरव लीव कर दो बेटे नहीं रही दिखाओ हनी हनी क्लियर नजर नहीं आ रहा अपने कैमरे को क्लियर करो साफ करो कैमरे को हो गया दिख तो रहा नहीं है बेटा मैम ये सेकंड चैप्टर है मैम उसका हिस्ट्री का मैम ये और मैम ये मैम उसका और इसके आगे और मैम ये उसका है ज्योग्राफी का चैप्टर टू मैम ये चैप्टर टू यहाँ से कितने क्वेश्चन है चैप्टर टू के मैम चैप्टर टू के मैम चैप्टर टू के मैम 20 मैम 20 है 20 अच्छा चैप्टर थ्री के मयंक लीव कर दो बेटा मैम 15 15 ठीक है टू और थ्री हो गया फर्स्ट चैप्टर दिखाओ पॉलिटिकल का सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैम सिविक्स के हमारे पास में अभी है नहीं मैम ये लेके आ गई गलती से चलो कल दिखाना मुझे सिविक्स के ठीक है लीव करो बाय मैम बाय गौरव गौरव मैम गौरव कौन से सेक्शन से हो बेटा मैम गौरव कौन से सेक्शन से हो मैम A3 A3 से बेटा आपने नोटबुक चेक करवानी है तो दिखाओ मुझे काम पूरा कर रखा है आपने यस मैम अभी दिखाएंगे कल दिखाएंगे मैं अभी चार्ट दिखा रही हूँ और वर्क कल दिखा दूंगी चलो ठीक है चार्ट दिखाओ फटाफट मैं ये देखूं कैमरा ऑन कर बेटा तभी तो दिखेगा ठीक है वेरी गुड बाकी काम कल चेक करवा लेना गौरव ठीक है लीव करो क्लास लीव करो ओके मैम इसको बाउंड्री और बना लो चारों तरफ ना स्केल से बाउंड्री और बना के नीचे अपना नाम और सेक्शन लिख दो ओके मैम ठीक है बेटा लीव करो क्लास